सर आकाश सर एक मिनट का बहुत अच्छा हूँ आज यहाँ पर पापा के पास आए तो और भी अच्छा हो गया हूँ। अच्छा तो आप अंधेरी के राजा पे आए और जिसे कि लग रहा है गणपति के बहुत बड़े भक्त हैं आप। मैं बहुत बड़ा भक्त कह सकते हैं आप। तो कैसा लग रहा है लाइक जिस तरह का माहौल बना है गणेश चतुर्थी के इतने दस दिन क्या जी कहना चाहिए? जी मैं पापा को जब से बॉम्बे शिफ्ट हुआ हूँ मैं तब से घर बुलाता हूँ हर साल डेढ़ दिन के लिए। और सबसे अनोखी बात आज मैं यहाँ पर अंधेरी चा राजा पापा के यहाँ आया हूँ। मैं 7 साल से कोशिश कर रहा था कि
आऊँ, दर्शन करूँ, पर कभी मौका नहीं लगा। इस लगता है पप्पा ने इस साल बुलाया है, वो भी मंगलवार के दिन, तो मुझे लगता है आज मेरे दर्शन होना बिल्कुल लिखा हुआ था मेरी किस्मत में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो पप्पा की मान्यता है, जो जो स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के जो फिटर्निटी के लोगों में अंधेरी चा राजा पप्पा की जो मान्यता है, तो मैं हर साल चाहता था, पर इस साल दर्शन पूरे हुए। सो गणपति पप्पा, अच्छा पप्पा की बहुत मेहरबानी आप पे, इसलिए शायद से ऑडियंस आपको, आप जो भी किरदार प्ले करते हैं बहुत पसंद करती है, फिर चाहे वो बाकी लक्ष्मी हो या आपके पुराने जो भी शोज है, स्प्रिट्स फिलाओ, बैरन डे टू, तो आगे कोई प्रोजेक्ट है जी? आई थिंक बप्पा की मेरे पे बहुत बड़ी कृपा रही है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी मेरे पास आज मुंबई में है वो बप्पा की कृपा से है। मैं बहुत छोटे से आया था, बिल्कुल कुछ नहीं था मेरे पास, और आज उनकी कृपा से सब कुछ है, एक अच्छी लाइफ है, एक अच्छा करियर है, घर है, सब कुछ है। तो आगे आई थिंक ये बप्पा का ही, मुझे लगता है उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज़ डाली थी कि अभी मैंने थोड़े टाइम एक्टिंग से ब्रेक लिया और मैं प्रोड्यूसिंग मैं चला गया हूँ, तो मैं अभी 3 शोज़ लॉन्च करने वाला हूँ दिवाली पर, जो हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। तो मैंने अपना नया प्रोडक्शन हाउस खोला है, और अभी थोड़े टाइम के लिए आप मेरे को कैमरे के इस तरफ देखेंगे। पापा ने चाहा तो दोबारा एक्टिंग, जब अपना ही कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो डेफिनेटली आई विल कम बैक। अच्छा, तो अंधेरी के राजा कहते हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है, तो क्या मन्नत मांगी? डेफिनेटली मैंने मन्नत मांगी है, एक मन्नत थी मेरे, मैं एक्चुअली पप्पा से कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं मांगा, उन्होंने जो अपनी खुशी से दिया है वो मेरी उम्मीद से बढ़कर रहा है। पर पहली बार, क्योंकि पप्पा अंधेरी चक्कर का राजा का इतना नाम है, वो मन्नत के उनको बोला जाता है, तो मैंने डेफिनेटली मन्नत मांगी, और मन्नत बताते नहीं है जब तक पूरी नहीं होती। तो जब जिस दिन पूरी हो जाएगी, मैं बिल्कुल सबको, आप लोगों को बुला के बताने वाला हूँ कि ये पप्पा ने मेरी मन्नत पूरी करी थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गणपति पप्पा मौर्य। सो आपको कैसा लगा इधर आके? मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। मैं अभी हमारे पहले बाइट्स में भी बोल रहा था कि मैं 7 साल से मुंबई में हूँ, और 7 साल से मैंने पप्पा की मान्यता के बारे में बहुत सुना है, अंधेरी से राजा के बारे में, बल्कि इनफैक्ट मैं भीरत साई रहता था सबसे पहले, पर मैं कभी नहीं आ पाया यहाँ पर। आई थिंक इस बार किस्मत में लिखा था, तो पप्पा ने मुझे बुला लिया है, वो भी मंगलवार के दिन बुलाया, जो कि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आई थिंक पप्पा शायद मेरी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, जिसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज यहाँ पर आके। So out of all your wishes, आपकी कोई विश ऐसी जो पूरी हुई हो? मेरी एक्चुअली, मैं ऑनेस्टली पप्पा से कभी मैंने कुछ नहीं मांगा है, मैं सिर्फ इंग्लिश में मैं बात करता हूँ पप्पा से हमेशा कि टेक केयर ऑफ मी, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि जो आप मेरे लिए करेंगे वो अच्छा होगा। और इनफैक्ट ये बोलने की बात नहीं है, बट सच में ऐसा होता है कि जो उन्होंने मुझे दिया है वो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मुझे मिला है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था जो भी आज मेरे पास लाइफ में है वो मिलेगा मुझे, वो भी मुंबई में इतने कम समय में आके। तो मैं पप्पा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा उनको मानता हूँ, हर साल घर पे लेके आता हूँ, 1.5 दिन के लिए आते हैं, सिर्फ उतनी क्षमता रखते हैं हम, बट आई थिंक जो भी है आज उन्हीं की बदौलत है। वी विश टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय शिवाजी महाराज। अबे साके पकड़ना तू। मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।